मेटल डिटेक्टर्स आपने देखे ही होंगे हर जगह मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पर क्या आपने कभी सोचा है इसका आइडिया आया कैसे, किसने सोचा कि ऐसा भी कुछ बन सकता है? तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान अनगिनत मौतें हुई सोल्जर्स की, तो गवर्नमेंट एक रास्ता ढूंढ रही थी कि कैसे वो पता लगाएं कि कहां कहां बॉम्ब्स हैं बिना एनिमी को वार्निंग दिए। और फिर वर्ल्ड वॉर टू से पहले गवर्नमेंट ने वैज्ञानिकों से इस प्रॉब्लम से बचने का सलूशन मांगा, और तब 1937 में ग्रिहट फिशर ने मैन्युफैक्चर किया मेटल डिटेक्टर, जो आज वर्ल्ड की जरूरत बन गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें।